तो पॉल लेमन अपने साथ लेकर आने वाले हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर को, और इस बार भाई ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के हेल्प करने के लिए आएंगे। और जजमेंट डे का ब्रेकअप बहुत जल्दी होने वाले हैं, हमको इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ के अंदर ही पता चल चुका है। मनी इन द बैंक के अंदर शायद से जजमेंट डे पूरी तरह से हमें टूटते हुए दिखाई देगी। और इस वीडियो के अंदर हम भाई ड्रू मैकइंटायर के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रू मैकइंटायर ने खुद को क्वालिफाई कर लिया मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, और इस वीडियो के अंदर हम मनी इन द बैंक के सारे मैच कार्ड को भी देखने वाले हैं। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई जजमेंट डे के बारे में। तो जजमेंट डे का ब्रेकअप बहुत जल्दी होने वाले हैं, आपको इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ के अंदर पता चल चुका है। जैसे कि इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ के अंदर डेमियन प्रीस्ट और सेट रॉयंस दोनों आमने सामने हैं, लेकिन फिन बैलर घुस गए बीच में। फिन बैलर आए थे डेमियन प्रीस्ट को बचाने के लिए, लेकिन डेमियन प्रीस्ट उनको रोक लेते हैं, कहते हैं तुम सेट रॉयंस के ऊपर अटैक मत करो। ये कोई बात होती है क्या? फिन बैलर तो बचाने के लिए आए थे, उल्टा उन्हीं को बोल रहे हैं वो। एक बार नहीं हुआ भाई, हमें क्लैश एट द कासल के अंदर बहुत बार ऐसा देखने को मिला जब डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर आपस में एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं। और जजमेंट डे के भाई टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, सारे अलग अलग होने वाले हैं। जजमेंट डे पूरी तरह से टूटने वाली है, और बहुत ज्यादा चांस है कि मनी इन द बैंक के अंदर जजमेंट डे में टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर वहां पे मैच होगा डेमियन प्रीस्ट और सेट रॉयंस का, तो शायद से वहां पर भाई फिन बैलर कुछ हरकत कर दे, तो बहुत जल्दी जजमेंट डे टूटने वाली है भाई। जजमेंट डे पूरी तरह से ब्रेक होने वाली है, ये जैसे करते हैं भाई हरकत है डेमियन प्रीस्ट, तो ये तो भाई होगा ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कब जजमेंट डे ब्रेक होगी, आप लोग बता सकते हो कमेंट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्रू मैकइंटायर ने खुद को क्वालिफाई कर लिया है मेंस लैडर मैच के लिए, जहां पर ड्रू मैकइंटायर का मैच होता है इलजे ड्रैगनोव और शेमस के साथ। इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है इलजे ड्रैगनोव के, भाई फैंस काफी ज्यादा चाह रहे थे कि इलजे ड्रैगनोव जीते और फिर वो खुद को क्वालिफाई करें मनी इन द बैंक के लिए, लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूओ को चोरी मंजूर था। ड्रू मैकइंटायर ने खुद को क्वालिफाई कर लिया, इस मैच को जीत लेते हैं ड्रू मैकइंटायर, और उन्होंने खुद को क्वालिफाई कर लिया मेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए। और जैसे ड्रू मैकइंटायर खुद को क्वालिफाई करता है इस मैच के लिए, उसके बाद उनका एक प्रोमो सेगमेंट होता है, जहां पर ड्रू मैकइंटायर भाई सबसे यही प्रॉमिस करता है कि मैं मनी इन द बैंक के अंदर ब्रीफकेस को जीतूंगा और उसी ब्रीफकेस को मनी इन द बैंक के अंदर ही कैश इन करूंगा और मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाला हूं। अगर ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक के अंदर जीत जाते, देखो चांसेस तो बहुत ज्यादा है ड्रू मैकइंटायर के जीतने के मनी इन द बैंक में, और अगर ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत लेते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मनी इन द बैंक के अंदर वो कैश इन करने वाला, मनी इन द बैंक के अंदर वो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर कैश इन कर सकते हैं। जब मैच चल रहा होगा सेट रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट का, उसके बीच में भाई ड्रू मैकइंटायर अपना ब्रीफ केस को कैशिंग कर सकते हैं, बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो अभी के हिसाब से भाई ड्रू मैकइंटायर ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि वो बनने वाले मनी इन द बैंक के अंदर चैंपियन, बाकी भाई देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग बात करते हैं मनी इन द बैंक के मैच कार्ड को लेकर। तो अभी तक जो जो मैच कार्ड ऑफिशियल है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ मैच कार्ड है भाई अभी जो WWE ने ऑफिशियल कर दिया, ये मैच होने वाला है मनी इन द बैंक में। सबसे पहला मैच जो कन्फर्म है मनी इन द बैंक के लिए, वो है लैडर मैच। इसमें लैडर मैच होने वाला है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे ड्रू मैकइंटायर, LA नाइट, कार्मेलो हेज, एंड्राडे, चैट गेबल और जे उसो। अगला जो मैच बताया जा रहा है मनी इन द बैंक के लिए, वो होने वाला है सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का, जो कि होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और उसके बाद भाई नेक्स्ट मैच होगा डेमियन प्रीस्ट और सेट रॉलिंस का, ये तो भाई हमको पता ही है पहले से। और उसके बाद भाई जो मैच बताया जा रहा है वो होने वाला है सिक्स मैन टैग टीम मैच, जहां पर होंगे कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस, और उनके अपोनेंट होंगे सोलो सिको, टामा टोंगा, जेकब फाटो और टांगा लो। लेकिन इस मैच के अंदर कंफ्यूजन बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक साइड में तो तीन ही बंदे और ब्लड लाइन के भाई चार बंदे हैं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। कोडी रोड्स की तरफ से तीन बंदे आएंगे, सोलो सिको की तरफ से चार बंदे आएंगे, सोलो सिको को भी तीन बंदे ही भेजने होंगे शायद से। सोलो सिको, टामा टोंगा, जेकब फाटो और टोंगा लो को भेजेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के हिसाब से WWE के पोस्टर में तो भाई ऐसे ही नाइंसाफी हो रखी है। अभी के हिसाब से ये कुछ कंफर्म मैच कार्ड है जो कि मनी इन द बैंक के अंदर होने वाले हैं। मनी इन द बैंक से पहले भाई एक स्मैकडाउन का एपिसोड बचा है, अगर वहां पर WWE को चेंजेस करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से ये कंफर्म है भाई मैच कार्ड जो कि मनी इन द बैंक के लिए है। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग बात करते हैं पॉल लेमन के बारे में। तो क्या भाई पॉल लेमन किसके हैं आखिरकार, रोमन रेंस के हैं या फिर ब्रॉक लेसनर के हैं? और भाई अब पॉल लेमन अपने साथ ब्रॉक लेसनर को लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर चीजें उल्टी होने वाली है। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आएंगे रोमन रेंस के हेल्प करने के लिए। अब ये बात सुनकर आपका दिमाग भाई शरीर पूरा घूम चुका होगा कि आखिरकार ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के हेल्प के लिए कैसे आ सकते हैं। तो देखो भाई ऐसा होने वाला है, पॉल लेमन ब्रॉक लेसनर को लेकर आ सकते हैं रोमन रेंस के हेल्प के लिए, क्योंकि जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर भाई ब्लड लाइन फेस करने वाली है सोलो सिको की ब्लड लाइन को, ये वॉर गेम्स होगी जहाँ पर एक साइड होगी भाई सोलो सिको की पूरी ब्लड लाइन, जहाँ पे जेकब फाटो होंगे, टामा टोंगा, टोंगा लो और खुद सोलो सिको होने वाले हैं। एक साइड में तो देखो रोमन रेंस और उसोस ही होंगे, तो फिर यहाँ पे तो तीन बंदे और आगे भाई सोलो सिको के पास चार बंदे हैं, ऐसे यहाँ पे नाइन साफी हो जाएगी। तो फैंस का ऐसा मानना है कि रोमन रेंस के साइड में सैमी जेन आए, जिससे कि रोमन रेंस की साइड में भी चार बंदे हो जाए, सोलो सिको के साइड में भी चार बंदे हो जाए। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर भाई रोमन रेंस के साइड में सैमी जेन को ही लाना है, किसी अदर बंदे को ही लाना है, तो फिर आप ब्रॉक लेसनर को भी तो ला सकते हो, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर की भी खतरनाक जोड़ी थी पॉल लेमन के साथ। तो अगर भाई किसी अदर बंदे को इन्वॉल्व करना है ब्लड लाइन के अंदर, तो फिर आप ब्रॉक लेसनर को इन्वॉल्व करो, ऐसा भाई अपडेट का कहना है। अब देखो कैसा लगेगा जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर खुद दोनों दोस्त बन जाएंगे, ये चीज तो कभी सपने में भी नहीं हो सकती जो कि WWE में होने वाली है। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक साथ होंगे भाई दोस्त के रूप में, तो भाई कैसा लगेगा आपको? आपका तो दिमाग ही पूरा हिल चुका होगा अभी तक। तो अभी के हिसाब से भाई ब्रॉक लेसनर आ सकता है रोमन रेंस के हेल्प के लिए, अगर भाई नीड होगी किसी एक बंदे की, तो फिर WWE कोशिश करेगी ब्रॉक लेसनर को लाने की, ऐसा भाई फैंस का मानना है। बाकी भाई आपको कैसा लगेगा जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक साथ होंगे, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बस भाई आज की इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी लोग भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सबसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।